तो भाई आईपीएल का ये सीजन तो खत्म हो चुका है और अब हम सभी को इंतजार है आईपीएल के अगले सीजन का, लेकिन उससे पहले होगी आईपीएल 2020 की नीलामी। और आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं उन 21 प्लेयर्स के नाम जो इस बार के आईपीएल में अलग अलग टीमों की तरफ से खेले थे, लेकिन 2020 की नीलामी में ये सारे प्लेयर्स जाने वाले हैं। तो आठों टीमों के सारे प्लेयर्स के नाम बताऊंगा, इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखना। और आप में से बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो फटाफट एमसीपी फैमिली और आईपीएल फैन आर्मी का हिस्सा बनिए, फटाफट वीडियो को नीचे से लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की। तो सीएसके की तरफ से जो दो प्लेयर नीलामी में जाने वाले हैं, रिलीज होने वाले हैं, वो है भाई डेविड विली और मुरली विजय। दरअसल दोस्तों इन दोनों ही प्लेयर्स का परफॉर्मेंस अप टू द मार्क था नहीं, हालांकि दोस्तों दोनों को ज्यादा मौके नहीं मिले। मुरली विजय को कुछ मौके मिले, ज्यादा मौके इन्हें भी नहीं मिले, लेकिन देखा गया है कि मुरली विजय लगातार आईपीएल में अलग अलग टीमों की तरफ से स्विच ऑन स्विच ऑफ होते रहे, इस बार भी इनके चांसेस बहुत ज्यादा है। चेन्नई की स्ट्रेटेजी 2020 की नीलामी में यही रहेगी कि वो अब कुछ एक दो यंग टैलेंट्स को लाना स्टार्ट कर दे अपनी टीम में, ताकि वो लॉन्ग टर्म सोच सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिल्ली कैपिटल्स की टीम। तो कैपिटल्स की टीम तीन प्लेयर्स को रिलीज कर सकती है, ऑक्शन में जाएंगे। इनके जो तीन प्लेयर्स हैं वो है भाई कॉलिन मुनरो, कॉलिन इंग्राम और हर्षल पटेल। हालांकि हर्षल पटेल को तो मौका एक तरह से आप ये कह लें कि नाके बराबर ही मिला, दोनों कॉलिन मुनरो, कॉलिन इंग्राम, इन दोनों को मौका मिला, दोनों ने इसे अच्छे से नहीं भुना पाए। मुनरो तो लंबे समय से दिल्ली में खेल रहे हैं और परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, तो इन दोनों के स्थान पे कुछ दूसरे विदेशी खिलाड़ियों को जरूर दिल्ली कैपिटल्स की टीम ट्राई करेगी, यही इनकी स्ट्रेटेजी रहेगी। दोस्तों अब अगर हम बात करें किंग्स इलेवन पंजाब की टीम की, तो पंजाब की टीम तीन प्लेयर्स को रिलीज कर सकती है। उनके नाम है भाई निकोलस पूरन, करुण नायर और वरुण चक्रवर्ती। भाई चक्रवर्ती को तो ये लोग फॉर श्योर रिलीज कर देंगे, क्योंकि अराउंड 8 करोड़ का ये प्लेयर है और परफॉर्मेंस तो भाई एक तरह से आप ये बोलें कि 80 रुपए के बराबर भी नहीं है, अगर हम फ्रेंकली टोल कहें। चोटिल रहे थे ये पूरा सीजन, निकोलस पूरन जो है भाई उन्होंने डिलीवर नहीं किया है। तो पंजाब की स्ट्रेटेजी इस बार की नीलामी में 2020 में यही रहेगी कि इन बड़े बिग टिकट बिग प्राइस प्लेयर्स को, बड़े टैग वाले प्लेयर्स को रिलीज कर दिया जाए, ताकि इनके पर्स में अच्छा खासा बैलेंस आ जाए, जिसका इस्तेमाल ये लोग नीलामी में बड़े प्लेयर्स दूसरे प्लेयर्स को लेने के लिए कर सकें। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की। तो केकेआर की टीम दो प्लेयर्स को रिलीज कर सकती है, रॉबिन उथप्पा और लॉकी फर्ग्यूसन। हालांकि कुलदीप यादव का परफॉर्मेंस भी बुरा था, लेकिन कुलदीप को ये लोग बिल्कुल भी रिलीज नहीं करेंगे, क्योंकि भाई कुलदीप यादव एक क्लास प्लेयर है, अगले साल वापस फॉर्म में लौट जाएगा। लेकिन रॉबिन उथप्पा 3 साल से फ्लॉप रहे हैं, लॉकी फर्ग्यूसन डिलीवर नहीं कर पाए, दोनों को रिलीज करेंगे और इनके स्थान पर शायद दूसरे टैलेंट को ये लोग आजमाते हुए हमें दिखें, यही इनकी स्ट्रेटेजी रहेगी। अगर हम मुंबई इंडियंस की टीम की बात करें तो दो प्लेयर्स को ये लोग रिलीज कर सकते हैं नीलामी में। इनके जो दो प्लेयर्स नीलामी का हिस्सा होंगे वो होंगे भाई युवराज सिंह और बरिंदर श्रॉ। बरिंदर श्रॉ को तो दोस्तों इन्होंने फॉर श्योर ले लिया था, क्योंकि पैट कमिंस चले गए थे, तो इन्हें तेज गेंदबाज की जरूरत थी नीलामी में। जहां तक बात है युवराज सिंह की, तो पिछले 2-3 सालों में देखा अलग अलग टीमों की तरफ से युवराज जा रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, ऑप्शन में जा रहे हैं, इस बार भी ये कथा खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि युवराज सिंह बेस प्राइस पे ही बिके थे, तो शायद इनके स्थान पर कुछ दूसरे प्लेयर्स को मुंबई की टीम ट्राई करे, लेट्स सी क्या होता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें राजस्थान रॉयल्स की टीम की, तो मेरी लिस्ट में तो 4 प्लेयर्स थे जो कि रिलीज होने चाहिए, लेकिन राजस्थान करेगी सिर्फ 3 को ही रिलीज, क्यों करेगी वो भी सुन लीजिए, क्योंकि एस्टन टर्नर फॉर श्योर रिलीज होंगे, जयदेव उनादकट फॉर श्योर रिलीज होंगे और कृष्णप्पा गौतम फॉर श्योर रिलीज होंगे। मेरे हिसाब से तो भाई बेन स्टोक को भी रिलीज करना चाहिए, उन्हें ऑक्शन का सामना एक बार और कर लेना चाहिए, कि उन्हें रियल कीमत उनकी पता लग जानी चाहिए इस बार की नीलामी में। पर शायद राजस्थान रॉयल्स की टीम ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि अगर बेन स्टोक जैसा प्लेयर फॉर्म में आने लगा ना, तो वो मुश्किलें पैदा कर देता है। तो ये 3 प्लेयर्स जाएंगे, गौतम का रिलीज होना बहुत जरूरी है, और इस बार अगर इन्होंने रिलीज नहीं किया ना गौतम को, तो मेरा राजस्थान से विश्वास उठ जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट भाई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम। तो बेंगलोर की टीम भाई 4 प्लेयर्स को रिलीज कर सकती है, शिमरॉन हेटमायर, पवन नेगी, शिवम दुबे और हेनरी क्लासन। हेटमायर का परफॉर्मेंस नहीं आया था, नेगी पिछले 2-3 सालों से परफॉर्मेंस दे ही नहीं रहे हैं, शिवम दुबे ने तो इतना निराश कर दिया है कि शायद इन्हें खरीदार ही नहीं मिलेगा। हेनरी क्लासन जा सकते हैं, क्योंकि इनके स्थान पर दूसरे साउथ अफ्रीकन टैलेंट्स को शायद आरसीबी की टीम आजमा सके, जिनको वो लोग मिडिल ऑर्डर में खिला सके, तो ये इनकी स्ट्रेटेजी आरसीबी की रह सकती है, इनका रिलीज होना लगभग कंफर्म है। अगर हम सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें, तो 2 प्लेयर्स तो फॉर श्योर रिलीज हो जाएंगे भाई, बिली स्टेनलेक और यूसुफ पठान। यूसुफ पठान मेरे हिसाब से जा रहे हैं अब हैदराबाद के पूरे स्ट्रक्चर से, क्योंकि इस बार जो परफॉर्मेंस देगा है ना, हैदराबाद को तो जरूरत थी कई मौकों पर उनकी, लेकिन डिलीवर नहीं कर पाए। तो भाई ये वो 21 प्लेयर्स है जो अकॉर्डिंग टू माई क्रिकेट प्रोडक्शन, अकॉर्डिंग टू मी रिलीज हो सकते हैं। आपके हिसाब से कौन से प्लेयर रिलीज होंगे नहीं होंगे, सारे नाम भाई कमेंट बॉक्स में भर दो, क्योंकि कमेंट बॉक्स बहुत सारे लोग पढ़ते हैं,
कई सारे कमेंट आते हैं, तो आपका कमेंट बहुत महत्वपूर्ण भी होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई क्रिकेट की न्यूज़ के लिए, आईपीएल की न्यूज़ के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।